हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ12 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम अपने मोबाइल फोन के ब्लूटूथ को किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ब्लूटूथ को बंद करना है और यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट करना है, ठीक है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है ना, कभी कभार ये ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसके कारण हमारा ब्लूटूथ जो है किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये राइट साइड के टॉप पर सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, तो आपको नीचे की साइड रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली रीसेट की सेटिंग में लेकर आ जाएगा। रीसेट पर टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पर टैप करना है। तो ये जो तीन सेटिंग आप देख रहे हैं, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग के साथ रीसेट हो जाती है। तो आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। आपको इस वाले पेज पर अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है। आपको नेक्स्ट पेज में सबसे नीचे रीसेट सेटिंग का ये ऑप्शन दोबारा टैप करना है, तो आपको नीचे लिखी साइड लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर में, नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आपको मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है, जिससे आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। फोन को रीस्टार्ट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से है ना थोड़ी देर तक दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन हो जाएगा ये वाला। इस पेज में आपको रीस्टार्ट का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन की ना APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है, ठीक है। मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको जो है सबसे ऊपर की साइड ये नेटवर्क एंड इंटरनेट पे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे टैप करना है। इसके अंदर आपको अपनी सिम सेलेक्ट करनी है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन वाला टैप करना है। अब इसका अगला पेज आपका APN का होगा। इसमें सबसे ऊपर ये थ्री डॉट का ऑप्शन टैप करना है। एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें आपको रीसेट टू डिफॉल्ट पे टैप करना है। नीचे लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग। इस तरीके से आपको मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट कर देना है, जिससे आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हमारे फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी फोन में अपडेट आ जाता है हमें पता भी नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है अगर वो अपडेट नहीं होता है, तो इससे हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ छोटी मोटी कमियां आने लग जाती है। तो आपके मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आपको मोबाइल फोन का ना इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है, ठीक है। आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके ब्लूटूथ की जो कनेक्टिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको करना क्या है, देखिए आपको अपने मोबाइल फोन को है ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, तो आपको नीचे की साइड रीसेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, रीसेट पे टैप करना है। आपका मोबाइल फोन आपको है ना डायरेक्टली रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे नीचे ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे, तो इससे आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।